पैशन बॉन्साई में आपका स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो मैं ये जेट प्लांट के ऊपर बनाने जा रहा हूँ ये मेरे जहाँ से मैं प्लांट ख़रीदता हूँ तो वहाँ के जो नर्सरी वाले मेरे मित्र हैं सुखी है उनका नाम तो उन्होंने मुझे उनके पास पड़ा हुआ था तो एज अ गिफ्ट किया था ये देखो यहाँ पे एक नेचुरल जैसे कार्विंग करते हैं ना उस तरह से हो रखा है क्या इसको जिन शारी बोलते हैं तो वैसे जेट तो उस तरह का नहीं होता बट फिर भी वो ऐसे ही आई थिंक ऐसे कोई ब्रांच वगैरह खिंच गई होगी तो उससे वो टेक्स्चर बन गया है तो ये वाला इसका फ्रंट हो सकता है पॉसिबल और एक वो जो मैंने आपको पीछे की तरफ दिखाया था वो भी हो सकता है अब यहाँ पे देखो ये वाली ब्रांच जो है इसके ऊपर थी तो अब जो इसकी ट्रंक लाइन है उसको मैंने हटा दिया अब इसकी ट्रंक लाइन थोड़ा क्लियर हो गया तो ऐसे अगर आपके पास भी कोई घर में प्लांट पड़ा हुआ है दो तीन साल से आप उसको बना सकते हैं ये वाली ब्रांड ब्रांच भी आगे की तरफ आ रही है तो ये हमको ट्रंक नहीं दिखने दे रही तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ अभी मैंने ये वाला पार्ट फ्रंट सेलेक्ट किया है बट इसका पीछे अभी ये वाली ब्रांच दोस्तों एकदम सीधा आ रही है तो मैं इसको काट दूंगा एक बार देख रहा हूँ ट्राई करके अब इसको ब्रांच कटर से पूरा ही हटा देते हैं तो मैं इसे थोड़ा सा कई बार एक्सपेरिमेंट के लिए देख लेता हूँ काट के अगर चल जाएगी बट ऐसा लग रहा है कि नहीं सही लगेगी तो इसको हटा देंगे वो ट्रंक के बहुत ही पास थी तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया Mm-mm. अभी आप ये देखो जो प्लांट है ये ओरिजिनली जो रेड सॉयल होती है उसमें उगाया गया था। सो so, जिन लोगों को सॉइल के बारे में सीखना है वो ये वाला पार्ट जरूर देखें भी इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जो ऊपर की तरफ जो सॉइल रहती है वहाँ पे ही रूट होती हैं और इसके अंदर बिल्कुल भी रूट नहीं जाती और जैसे अभी हम हमको अब जैसे अगर आपको गमले में प्लांट उगाना है नॉर्मल तो मे बी इस सॉइल में भी ग्रो कर जाए अच्छा और है ना चल जाते हैं लोगों के लगाते हैं बिल्कुल पत्थर जैसी मिट्टी होती है और फिर भी गमले में प्लांट होता है वो चल रहा होता है बट बॉन्साई में क्या दिक्कत आती है जैसे अभी हमको ये प्लांट निकाल के रिपोर्ट करना है अब ये मैं इसको मिट्टी को निकाल रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ बट निकल नहीं रही और अगर ज़्यादा जोर लगाते हैं तो जो उसके अंदर फाइबरेस रूट होती है ना जो एकदम पतली पतली सफ़ेद सी रूट होती है वो बहुत ही नाजुक रहती है तो अगर ऐसे जैसे अब मैं कर रहा हूँ तो वो सारी रूट बॉल ख़राब हो जाती है तो मतलब अब अगर आपने मेरे और भी वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने मैं आपको आगे दिखाऊंगा और वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे तो देखो जो रेत में हमने प्लांट लगा रखे हैं या बॉन्ई सॉइल जो बनाते हैं स्पेशल उनमें ऐसे झाड़ो तो वो सारी मिट्टी निकल जाती है आराम से तो ये वाली प्रॉब्लम है दोस्तों इसलिए जो क्ले सॉइल है उसमें नहीं लगाना चाहिए बॉन्साई हाँ चलेगा प्लांट आपका ऐसी बात नहीं है मर भी सकता है अगर रॉट वॉट हो गया खतरा रहता है उसमें <coughs> बट जैसे अब हमको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है ना बार बार बॉन्साई में लाइक दो साल के बाद किसी का एक साल के बाद ही करना पड़ जाता है। तो ये वाली सबसे बड़ी समस्या है अभी इसकी प्लांट की रूट बस इतनी ही निकल पाई अगर और यही प्लांट आ, सैंड में लगा होता तो ये बहुत सारी रूट्स होती हैं इसकी मतलब और भी ज़्यादा ये भी अच्छी हैं बट ये काफ़ी पुराना प्लांट है जैसे तो ऐसा है तो इसलिए आप जब भी सॉयल बनाते हो तो कोशिश करो मॉनसाई सॉइल यूज़ करो ऐसे ही उठा के कोई भी सॉइल मत चिपका दो चलेगा बट वो बाद में आप फिर ये सब प्रॉब्लम होती है फिर लोग क्या करते हैं वो जब निकालते हैं तो सब रूट वगैरह चली जाती हैं मिट्टी के साथ ही और फिर पेड़ मर जाता है तो ये है लॉजिक उसका तो दोस्तों ये वाला पॉट हमने इसके लिए सेलेक्ट किया है और बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि ये वाले पॉट आप कहाँ से आ, मिलते हैं तो जो क्ले वाले पॉट मैं यूज़ करता हूँ वो मैंने खुद बनवाए हुए हैं किसी मतलब हमारे यहीं पे लोकल हैं और ये वाले पॉट जो होते हैं ये प्रॉपर बॉन्साई के लिए आते हैं बट इसकी एक प्रॉब्लम होती है अगर आप जैसे छोट थो, थोड़ा बहुत नहीं मंगवा सकते तो एटलीस्ट लाइक अगर आपको ये पॉट चाहिए जो जो लोग बनाते हैं तो वो मतलब सात आठ लाख का ना पूरा मतलब ट्रक ही देते हैं वो तो ऐसे ही नहीं दे सकते और जो होल वगैरह लोग होते हैं वो आई थिंक डेली में है तो हम मैं मेरे पास ये ऐसे आए कि, कि किसी मतलब किसी ने जैसे ट्रक मंगवाया होगा तो वो जो बनाते हैं भाई साहब तो उनको मैंने बोला तो उन्होंने साथ में मुझे भी डिलीवर कर दिए थे तो फिर मैं दिल्ली से जाके इनको लेके आया था तो अभी मैं बहुत सारे क्योंकि लोगों के मैसेज आते हैं तो इनमें पहले मैं सोच रहा था कि इनको सेल कर दूं मतलब और लोगों के लिए भी बट दिक्कत यह है कि जो बड़े साइज़ के पॉट है ना उसको भेजते हैं तो वो टूट जाते हैं रास्ते में मतलब मैंने कभी तक किसी को बेचा नहीं है तो जो ये छोटे साइज है जैसे ये वाला साइज़ है तो मैं सोच रहा हूँ इसकी सेल शुरू कर दें तो जैसे आप लोगों के कमेंट वगैरह आते हैं तो अगर किसी को लेना हो प्लांट वगैरह भी मैं सोच रहा हूँ जैसे छोटे बॉन्साई तो मुश्किल है सेल करना क्योंकि उसका उतना पैसा कोई दे नहीं पाता क्योंकि उस पर बहुत सारी मेहनत लगती है और जैसे ही किसी को प्राइस बताओ तो उनको महंगा लगता है तो मटेरियल हो गया जैसे बॉन्साई का प्लांट हो गए छोटे लाइक जिससे आप बॉन्साई बना सकते हो या प्री बॉन्साई हो गया जैसे ये वाला हो गया ना इस तरह के तो मैं अभी कोशिश करूँगा इस पर जो है व्हाट्सएप नंबर डाल दूँ वीडियो पर और अब वहाँ पर आप जैसे ये सब ऑर्डर कर सकते हो तो हम लोग कर रहे हैं प्रोसेस सेटअप करने का लाइक व्हाट्सएप शॉप और आ, ऐसे है बाकी बॉन्साई सॉइल का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है बट आ, आ, अगर आपको फिर भी मतलब कोई दिक्कत है तो मेरी पहले वीडियो मैंने बना रखी है बॉन्साई सॉइल के ऊपर आप उसको देखो वैसे मैं तकरीबन सब वीडियो में सॉइल के ऊपर बताता ही रहता हूँ बहुत बार बता दिया बट लोग फिर भी देखते नहीं हैं और नीचे कमेंट तुरंत कर देते हैं और फिर कमेंट में सबको बार बार वही चीज़ रिपीट करना मुश्किल है तो अगर आप भी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कोशिश करो पहले आप चैनल पे जाके थोड़ा वीडियो कंटेंट देखो है ना आपको तकरीबन मैंने जो भी मैंने सीखा है मुझे आता है वो सब मैंने ऑलरेडी बता रखा है तो ऐसे हाँ अगर आपको नहीं तब भी कुछ नहीं मिला समझ आया तब आप कमेंट करो तब मैं आपको बनाऊँगा और उसके लिए मतलब चाहे मुझे नया वीडियो बनाना पड़े तो मैं उसको करूँगा तो ये वाला एक ये जैसे प्लास्टिक का कोई था उसके साथ में थोड़ा सॉइल को अंदर की तरफ लें तो जहाँ पे वो एयर पॉकेट वगैरह ना बने उसके लिए होता है ये अब ये पॉट का आ, क्या ब्यूटी है इसका जैसे आप देखोगे ना जेड के जो बार्क का कलर होता है और ये पॉट का जो बार्क का कलर है वो दोनों सेम है तो बहुत ही हारमोनीस लग रहा है ये पॉट इस प्लांट के साथ है ना तो इसलिए इसको सिलेक्ट किया है <coughs> बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है पॉट और बहुत छोटा भी नहीं है तो पेड़ का भी एक जो खुद का ब्यूटी है और जो उसकी थोड़ी स्ट्रेंथ है है ना वो सब दिख रही है ज़्यादा बड़ा पॉट लगाने से पेड़ की वो जो खूबसूरती है वो छुप छुप जाती है तो पॉट ही डोमिनेट कर लेता है अगर बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ हो और छोटा पॉट हो तो फिर वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा या पेड़ को ग्रो करने के लिए कुछ स्पेस नहीं मिलेगा तो ये वाला प्लांट आप देखोगे क्योंकि इसका ऑलरेडी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो डेवलप है इसलिए इसको मैंने बॉन्साई पॉट में डाला है अगर ये चीज़ ना होती तो हम इसको पहले बड़े पॉट में ही ट्रेनिंग करते हैं तो बॉन्साई पॉट में डालने का या इन्वेस्ट करने का तभी करना चाहिए जब आपके प्लांट एटलीस्ट लाइक है ना सेवेंटी परसेंट मिनिमम सेवेंटी परसेंट तक डेवलप है उसके बाद ही उसको बॉन्साई पॉट में डालो उससे पहले मत डालो हाँ जेड का थोड़ा चल जाता है जेड छोटे पॉट में भी ग्रो करता रहता है बट जैसे फाइकस वगैरह है और प्लांट जो नॉन सकुलेंट टाइप के होते हैं वो सब स्ट्रगल करते हैं तो ऐसे जल्दबाजी नहीं करना चाहिए बहन सही, सही पॉट में डालने का ये सॉयल <coughs> इसको थोड़ा पानी वगैरह डाल के सॉयल सेट हो जाती है और जो ये सॉइल हम यूज़ करते हैं इसमें फंगस की भी प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी बट फिर भी आप थोड़ा बहुत वो जो सैफ वाला फंगी साइड होता है वो डाल सकते हो खास करके बरसातों में डालना चाहिए फंगी साइड इस टाइम पे रिपोर्टिंग करने का ये फ़ायदा है क्योंकि अभी उतना ह्यूमिडिटी नहीं है मौसम में और, और बहुत ज़्यादा गीला नहीं रहेगा ना तो मेरे प्लांट भी मरे हैं मैंने पहले मैं सोचता था बरसात में ही सबसे बेस्ट होता है रिपोर्टिंग करना हाँ बहुत अच्छा होता है बट उसमें ना फंगस की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है हमारे यहाँ पे वैसे बरसात होती नहीं इतनी बट जब होने लगती है मानसून के टाइम पे तो भयंकर होती है और फिर वो गीला ही रहता है और गीला गीला रहते रहते आप जैसे आपने नया रिपोर्ट किया है रूट वूट बहुत काटी है पेड़ की तो फिर फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है तो मेरे ऐसे कुछ पेड़ मरे हैं बट अब मैंने मतलब ये चीज़ को सीखा है तो ये बहुत ये सब चीज़ें ना एक्सपीरियंस ही आती हैं ऐसे कोई आपको बता देगा तो ज़रूरी नहीं है कि समझ में आ जाए तो ये हो गया दोस्तों हमारा प्लांट कंप्लीट ये भी फ्रंट है और ये भी ये वाला भी मुझे अच्छा लग रहा है तो अब देखते हैं अभी इसका अपडेट आके डालेंगे थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग